छठे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, हिमाचल और पंजाब में रैली। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा इन्होंने रातों रात मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी बनाया, इनका सगा सिर्फ वोट बैंक। पीएम मोदी बोले, मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया, कांग्रेस शरिया का करती है समर्थन। हिमाचल की जनता से पीएम ने वादा किया, मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, संकट नहीं आने देगा। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इन्होंने हिमाचल की बेटी का अपमान किया। पीएम मोदी ने इंडिया लाइंस को देश की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा काम। छठे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, हिमाचल और पंजाब में रैली। पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा इन्होंने रातों रात मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी बनाया, इनका सगा सिर्फ वोट बैंक। पीएम मोदी बोले, मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया, कांग्रेस शरिया का करती है समर्थन। हिमाचल की जनता से पीएम ने वादा किया, मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, संकट नहीं आने देगा। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा इन्होंने हिमाचल की बेटी का अपमान किया। पीएम मोदी ने इंडिया लाइंस को देश की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा, कहा ये पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं। जालंधर में पंजाब सरकार पर बरसे पीएम, कहा झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर बनी, पंजाब की जनता ये बात समझ गई। सीएम योगी ने भी उठाया आरक्षण का मुद्दा, कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन असंवैधानिक, ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष देश में तालिबानी सिस्टम लाना चाहता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। आदिवासी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं लूटने देंगे, झारखंड में अमित शाह ने अटैक किया। बंगाल में मथुरापुर में सीएम ममता की रैली, कहा हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं। आरक्षण पर चल रही सियासत पर भड़के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, कहा बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से अपील की, एकजुट होकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करें, वरना भारत पाकिस्तान बन जाएगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग, बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी बोले, कन्हैया कुमार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। प्रधानमंत्री के अनुभवी चोर वाले बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले पूरे देश के सामने पीएम ने माना कि शराब घोटाले के सबूत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली को केजरीवाल ने साथियों के साथ मिलकर लूटा, सभी दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कल मतदान की तैयारी पूरी, नई दिल्ली नगर पालिका में 10 स्पेशल बूथ बनाए गए। कल चुनाव से पहले दिल्ली एलजी की जनता से अपील, लोकतंत्र के उत्सव में वोट डालकर बने भागीदार। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो नाम से लगे पोस्टर, 2 FIR दर्ज। दिल्ली में हिंदू सेना ने कांग्रेस आपके खिलाफ लगाए पोस्टर, लिखा सोच समझ कर वोट करें। बीजेपी जब हर जगह हार रही है तो उसे 400 सीट कैसे मिलेगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। झारखंड के देवघर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की, कहा पीएम मोदी ने देश की जमीन अपने दोस्तों को दी। बिहार के आरा में अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया, कहा पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती बीजेपी, पीओके लेकर रहेंगे। अमित शाह के पीओके वाले बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का पलटवार, पूछा 10 साल में क्यों बैठ रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, आप भ्रष्टाचार में लिप्त जनता कैसे विश्वास करें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, बिहार में 40 के 40 सीटें हमारी। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का तंज, बिहार में पीएम मोदी के आने से बीजेपी को नहीं होगा फायदा। सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, 7वें चरण के प्रचार को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश को पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया, कहा कहते हैं कि डिजिटलीकरण करके क्या करोगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 300 पार हो गया है, 6ठे और 7वें चरण में 400 की तैयारी। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का बयान, जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। यूपी के फूलपुर में असदीन ओवैसी की रैली, कांग्रेस सपा साधा निशाना, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा। प्रयागराज में बीजेपी का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला से मारपीट, मामले में FIR दर्ज। मैनपुर से बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन का बयान, संविधान को लेकर भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, 80 की 80 सीटों पर जीत होगी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट बीजेपी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का अटैक, सीएम भगवंत मान की वजह से पंजाब खतरनाक मोड़ पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, 5 फेज के चुनावों में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की तो भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। जयराम रमेश के बयानों को गंभीरता से नहीं ले सकते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दक्षिण भारत में पहले के मुकाबले डबल होगी सीटें, उत्तर में भारतीय शानदार प्रदर्शन करेगी। कोलकाता में 28 से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, शांति भंग करने की आशंका में आदेश जारी। हिमाचल में प्रचार के दौरान पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, खूबसूरत पहाड़ कैमरे में किए गए। बूथवाइज डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार किया, कहा चुनाव में नहीं डाल सकते बाधा। धर्मशाला में हिमाचल सीएम ने दलाई लामा से मुलाकात की, दलाई लामा बोले भारत में सभी धर्मों का होता है सम्मान, अगर देश की सीमाएं सुरक्षित तो तेजी से होगा विकास। दिल्ली में BSF के कार्यक्रम में बोले NSA अजीत डोवाल। पुणे में NDA के 146 कोर्स की पासिंग आउट परेड, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शामिल हुए।
जयपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, नक्सली मुख्यधारा में आए और बात करें। साथी मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मालीवाल केस को लेकर बीजेपी के हमले जारी, केजरीवाल विभव की तुलना दुर्योधन दुशासन से की। बीजेपी ने केजरीवाल पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया, पीड़िता के बजाय आरोपी के साथ खड़े हैं सीएम। आजम खान पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 IPS का तबादला किया, जालंधर और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया गया। बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात, टीएमसी बीजेपी झड़प में बीजेपी की एक महिला वर्कर की जान गई थी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का ममता सरकार पर अटैक, कहा बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल आजिम की हत्या का मामला, चौथा आरोपी जिहाद हुलेदार गिरफ्तार। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी के सार पर सांसद की हत्या, शरीर के टुकड़े कर भांकर इलाके में फेंक। सीआईडी के बांकर इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, बांग्लादेशी सांसद केस में सबूत इकट्ठा किए। पुणे हिट एंड रन मामले में सुनवाई, नाबालिग के पिता समेत 6 आरोपी 7 दिन तक न्यायिक हिरासत में। पुणे में पब और बार कर्मचारियों का प्रदर्शन, नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर विरोध जताया। कानपुर में 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, 6 लोग घायल, ठेले पर चाट खाने को लेकर विवाद हुआ था। एसएनसी बंदूक से दोनों पक्षों में एक दूसरे के पर फायरिंग की, पुलिस ने कंट्रोल किया हालात। कानपुर के केमिकल गोदाम में आग लगी, दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। यूपी के बहराइच में टेंट हाउस में गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में शादी के नाम फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार। वाराणसी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज, लकड़ी से बने खिलौनों और बर्तनों को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा संगठन के स्ट्राइक, छोटी पटाखा फैक्ट्रियों में निरीक्षण का जायजा लिया। डोबिवली में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने का मामला, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटक के बेलगाव में क्रिकेट को लेकर 2 गुटों में पथराव, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चारधाम यात्रा लेकर उत्तराखंड सीएम ने वर्चुअल बैठक के अधिकारियों से तैयारियों पर अपडेट लिया। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की, कहा पूरी कोशिश, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दौर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत, देवास जिले के रहने वाले थे। त्रिपुरा में पुलिस और बीएसएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, ड्रग डीलर सुंदर अली को गिरफ्तार किया गया। अंबाला में ट्रक में 2 टेम्पो ट्रेवर के बीच टक्कर, 7 की मौत, 25 घायल। तमिलनाडु के तमापुर में निर्माण काम के दौरान युवक को लगा करंट, शख्स की मौके पर मौत। जोधपुर में एनसीबी ने एक गाड़ी में 71 पैकेट गांजा बरामद किया, एक आरोपी गिरफ्तार। मैनपुर में जिला अस्पताल में इंसानियत तार-तार प्रेग्नेंट महिला को नहीं किया एडमिट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बस ने साइकिल सवार को कुचला, नाराज भीड़ ने बस में आग लगाई। बिल्डर बाबा साई सुसाइड मामले में देहरादून पुलिस का एक्शन, गुप्ता बंदों को गिरफ्तार। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एक्शन में एनआईए, लश्कर आतंकी शोएब मिर्जा गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड, कन्नूर में 7 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, एर्नाकुलम में हुई बारिश से कई इलाके प्रभावित। असम के बोगर्ट में हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बदला मौसम का विजास, तेज हवा के साथ बारिश हुई। आगरा में तेज गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान, प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, लोगों को गर्मी से निजात मिली। दिल्ली के अलीपुर में कार्निवल रिजॉर्ट में आग लगी, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। हरिद्वार में एक फैक्ट्री में आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अशोक लेलैंड का चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़ा, कंपनी के शेयर ने एक साल में 45% रिटर्न दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ, रुपया 83.18 रुपए पर बंद। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने पार किया 75,525 का आंकड़ा, निफ्टी ने भी 15 पॉइंट की उछाल दर्ज की। मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, चीन की हान यू को मात दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC ने बड़ा ऐलान किया, वर्ल्ड कप पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को एम्बेसडर बनाया। जमनप्रीत सिंह के पूरे किए 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच, हॉकी इंडिया ने बधाई दी। एक्टर अजय देवगन ने जम्मू कश्मीर सरकार और फिल्म बोर्ड की तारीफ की, कहा फिल्म सिंघम सिंह की शूटिंग में मदद की। दीपिका पादुकोण ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प, येलो ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे आप सांसद राघव चड्ढा, पत्नी परिणीति के साथ पप्पा का आशीर्वाद लिया।